हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर को हम लोग कैसे घर पर इसका इलाज कर सकते हैं या इलाज किया जा सकता है, घरेलू उपाय। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीम में जो नीम होता है, नीम 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 में कैंसर से लड़ने की बहुत ताकत होती है। इसको आयुर्वेद में सर्वरोग नाशक कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं तो 8 से 10 पत्ते हर रोज़ खाएं। किसके? नीम के पत्ते। इसके अलावा बाज़ार में आजकल कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो हम आपको बताते हैं, बताना चाहते हैं, जो कैंसर के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 50-50 ml पपीते के ताज़े पत्तों का रस कपड़ों से निचोड़ कर 3 बार रोगी को दीजिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये घरेलू उपाय हैं सब। और नींबू को फ्रीजर में रख दीजिए, और जब यह बिल्कुल बर्फ़ जैसा हो जाए तो इसको छिलके सहित कद्दूकस कर दीजिए, और सुबह शाम रोगी को पानी में मिलाकर दीजिए। तीसरा क्या है, सदाबहार और तुलसी के 11 11 पत्ते लेकर चटनी बना लीजिए और सुबह शाम दीजिए। चौथा है, अलसी और कलौंजी का एक्स्ट्रा वर्जिन तेल 5 5 ml, शहद और देसी गाय, शहद या देसी गाय के दूध में मिलाकर दीजिए। चुकंदर, गाजर और काले अंगूर का रस रोज़ाना पिलाइए। गेहूं का रस, गेहूं का घास जो होता है, गेहूं का घास जो हम लोग बोलते हैं व्हीट ग्रास, वही है, गेहूं का घास घर पर लगाकर इसका रस पिलाइए। इतना करिए, फिर देखिए इसमें क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा।